हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं, इवन बच्चे भी मुझे ये बोलते हैं कि सर ऐसे कोच को बताओ, ऐसी एकेडमी, ऐसे क्लब को बताओ जहाँ से हमारा लड़का जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल तक पहुँच पाए। तो गाइस, आज का वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप देख लिए ना तो आपके 90% सक्सेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो चीज़ मैं बताऊंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक ऐसे कोच से मिलाऊंगा आपको मैं, आपकी लाइफ, आपका क्रिकेट स्टाइल, आपका क्रिकेट का स्टैंडर्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इतने भी बड़े प्लेयर को देख लो, पहले समझ लो इस चीज़ को कि मैं किस कोच से आपको मिलाने वाला हूँ। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल या कोई से भी बड़े प्लेयर हो, सौरव गांगुली हो, गौतम गंभीर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, कोई से भी हो, वर्ल्ड के कोई भी प्लेयर हो, उनके जो कोचेज हैं, उनके जो फर्स्ट कोच हैं या बाद में कुछ, क्योंकि कई कोचेज को चेंज करते हैं, इनिशियल लेवल में कुछ और होता है, एडवांस लेवल में कोई और कोच मिल जाता है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठाओ, क्या उस कोच ने दूसरा विराट कोहली बना पाया? क्या सचिन तेंदुलकर के कोच ने दोबारा सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर तैयार किया? क्या यशस्वी जायसवाल के कोच ने यशस्वी जायसवाल जैसा दूसरा प्लेयर तैयार किया? नहीं किया। उसके जैसे थोड़े थोड़े हुए होंगे, लेकिन उसके जैसा दोबारा प्लेयर नहीं बन पाया, उनके कहने, उन कोचों के कहने। अगर सचिन तेंदुलकर के कोच इतने ज़बरदस्त होते ना, तो सचिन तेंदुलकर जैसे 50 प्लेयर और खड़े कर देते। तो सबसे बड़ा कोच है कौन? सबसे बड़े कोच हैं आप खुद। आप खुद सबसे बड़े कोच हैं अपने। ये बात मेरी समझ लीजिए, ये बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयरों की भी बातें हैं, किसी की भी बातें हैं। आप कैसे आप सबसे बड़े कोच हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा, एग्जांपल दूंगा। उसके बाद आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है। पहले आपके घर में पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कुछ, जो भी है स्टार्टिंग में, जो भी उनको आता है वो सिखाते हैं। वही बच्चा सेम स्कूल में जाके फिर उसका रिपीट होता है, स्टार्टिंग से रिपीट होता है। बट स्कूल में टीचर क्या होता है कि एक सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं। 40-45 बच्चे हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। हो सकता है कुछ जो थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कुछ हर क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको थोड़ा सा अलग से बार बार उनको क्वेश्चन पूछे, अलग से तो नहीं पढ़ाते, मतलब बार बार उनको क्वेश्चन आंसर पूछते रहते हैं। ठीक उसी एग्जैक्टली सेम वे आपका जो कोच है, आप कहीं भी चले जाओ आप सक्सेस नहीं हो पाओगे जब तक आप खुद के ऊपर अमल नहीं करोगे, खुद के ऊपर ट्रेनिंग नहीं लोगे, खुद की कोचिंग नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो, कोच आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्लब में चले जाओ, सबको, सब पेरेंट को ये लगता है कि इस क्लब से 4 बच्चे अच्छे निकले तो इस क्लब में मैं बच्चों को भेजूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपकी गलतफहमी है ये। देखो, आप कहीं पे भी डाले, छोटे क्लब में डाले, बड़े क्लब में डाले, वहाँ पे फैसिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो हर जगह एक ही चीज़ सिखाया जाता है। अब सबसे ऊपर डिपेंड करता है जो सेल्फ कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ कोचिंग कहाँ पे आपके काम आती है। जैसे एक कोच ने आपको कोई भी शॉट सिखा दिया, मैंने पुल शॉट सिखा दिया, ठीक है, पुल शॉट सिखा दिया उसने आपको, तो पुल शॉट में क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, वो सारी चीज़ें उसको 20-30 बच्चों को ऐसे एक साथ में खड़े करते हैं, 20-30 बच्चों को टिप्स देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। एक कोच 40 बच्चों को बार बार कभी बोल ही नहीं सकता, पागल हो जाएगा वो, उतना बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएगा। 40 बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के सबको नहीं करा सकता वो, समझ गए आप? तो 40 बच्चों के पास नहीं जाएगा, तो एक ही बार में 40 बच्चों को बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है, फिर बाद में रिपीट करेगा, दोबारा देखेगा, तिबारा देखेगा, लेकिन उतना पीछे नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो घर बैठ के कि भाई मैं अगर क्लब जाऊंगा तो खिलाड़ी बन ही जाऊंगा या कोई अच्छा कोच मिल जाए। पर्सनल कोचिंग लेने के बाद भी, पर्सनल में भी कितना लगेगा आपके पीछे वो। अगर पर्सनल कोचिंग लेके प्लेयर बनने वाले होते तो सारे बन जाते, सारे, पता नहीं करोड़पति खरबपति दुनिया भर के, इंडिया में सब प्लेयर जो है अपने अपने लिए घर में कोचिंग लगा लेते और बन जाते प्लेयर। ऐसा नहीं है। सेल्फ कोच आप हैं, कितनी जल्दी आप उस चीज़ को पकड़ते हैं जो उसने बता रखा है, उस पर प्रैक्टिस कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। कई लोग बोलते हैं 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करो, अरे ढंग से किया ही नहीं तो 5-6 घंटे प्रैक्टिस करके करोगे क्या? एक शॉट को प्रॉपरली सीखने के लिए क्या क्या चीज़ बता रखी है। पुल शॉट के लिए आपका बैट यहाँ ऊपर आना चाहिए, ऊपर आने के बाद पूरा बाजू को एक्सटेंड होके पैर का मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, कौन सी बॉल को मारना, ये सारी चीज़ें का जजमेंट आपने करना है, उसी हिसाब से खेलना। उसके बाद आप खुद का हमेशा क्या बोलता हूँ मैं, जब भी एक शॉट सीख रहे हैं उस शॉट के ऊपर क्या करना है, हमेशा वीडियो बनाना। दो एंगल से हो सके तो वीडियो बनाओ, पहले एक एंगल से भी चलेगा। एक छोटा सा ट्राइपॉड ले लो, सामने रख लो बॉल, अब बॉल खेलो, बॉल को मारो। अब वीडियो में क्या बता रखा है कोच ने, या आप क्लब भी जाते हैं क्या बता रखा है कोच ने कि भाई ऐसे बैट उठाना है, बॉडी का पोजीशन ऐसे रखना है, फिर ऐसे बाजू एक्सटेंड करके। क्या आपका ऐसा हो रहा है? कई लोगों का यहाँ से उठता नहीं, ऊपर ले जाते फिर नीचे से लेके आ जाते। कई लोग गलत शॉट मारते, कई लोग बाजू को एक्सटेंड नहीं करते। तो क्या क्या चीज़ें उसमें मिस्टेक्स बता रखी, उस मिस्टेक को दूर कैसे कर रहे हैं, वो क्या आप कर रहे हैं, वो चीज़ आप अपना वीडियो में कैच कर सकते हैं। स्लो मोशन में वीडियो को देख के आराम से एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, इसने ये बताया। देखो आजकल तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, यूट्यूब के अंदर फ्री में सब कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने सीरीज़ बनाया हुआ अपना, लेदर का भी बनाया है, सीजन बॉल का और टेनिस बॉल का भी बनाया, दोनों बना रखे। अगर आप उसको एक एक वीडियो करके पर्टिकुलरली एक एक सिस्टमेटिकली देखोगे, यानी सिस्टमेटिकली मतलब पहले कौन सा वीडियो देखना है, सेकंड नंबर में कौन सा देखना है, थर्ड में कौन सा देखना है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके सारे बनाते हैं। उनको एक एक करके जब आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा। अगर आप पहले डायरेक्ट पुल शॉट सीखने लग गए ना, यानी आपने ABCD भी नहीं सीखी, डायरेक्ट आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। सीख भी लेंगे तो पता नहीं कितना समय लगेगा। तो सिस्टमेटिकली बिना ABCD सीखे डायरेक्ट जंप नहीं मारा जाता, वैसे ही इसमें है। तो सिस्टमेटिकली अगर आप सीखेंगे तो ये सोच लीजिए कि आपको सिस्टमेटिकली आएगा। आपको लाइन लाइन जजमेंट करना भी आएगा, बॉडी मूवमेंट होगा, आपका फुटवर्क होगा, सारा चीज़, बॉडी का पोजीशन, सारा चीज़ आएगा उसमें। तो इसीलिए खुद के कोच आप खुद हो। मेडिटेट करना है, वीडियोज़ को देखना है, मैचेस देखना है। मैचेस में क्या कर रहे हैं, मैचेज इंजॉय के लिए नहीं देखना, सीखने के लिए देखना। अगर आप इंजॉय करोगे ना, वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। अगर भाई ऑफ साइड में बॉल आ गई, उसने बैकलिफ्ट कहाँ लेके गया, जो एल्बो का पोजीशन है कहाँ गया, कंधा की साइड को झुका, उसी डायरेक्शन में बॉल मारा, वो चीज़ का एनालाइज आपने खुद करना है। भाई कोच के भरोसे रहोगे ना, आप ज़िंदगी में खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। ये कोचेज खुद बोलते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कोचेज खुद बोलते हैं भाई मेहनत कर, मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद तू खुद प्रैक्टिस कर। अरे खुद के कोच खुद बनो भाई, खुद के कोच जब तक खुद नहीं बनोगे आप खिलाड़ी नहीं बन पाओगे उस लेवल के। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते, कोई बच्चे ऐसे होते हैं एक बार अगर उसको बता दिया ना तू ऐसा कर, वो जब तक उसको ठीक नहीं होगा लगे रहेंगे। उसको मना भी करोगे लगे रहेगा। उसको बोलो कैसे भी मैंने सीखना है, सबसे पहले सीखना है। 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को एक साथ बता रखा है, इन 40 में से सबसे पहले मैं सीख के दिखाऊंगा। उनके अंदर वो पैशन होता है कि वो किसी भी तरह उसमें लगे रहते हैं और वो सीखने का कोशिश करते हैं। तो जब तक आप खुद के कोच खुद नहीं बनोगे ना, तो दुनिया का कोई कोच आपको खिलाड़ी नहीं बना सकता। अब सचिन तेंदुलकर के लड़के हैं, अर्जुन तेंदुलकर, मैं हाल ही में उनसे मिला था। उनका बॉलिंग भी अच्छा है, बैटिंग भी तकरीबन ठीक है, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं बन पाएंगे। अगर ऐसा होता तो सचिन न जाने सचिन तेंदुलकर ने उनको कितना सिखाया होगा, कितना घर में कितना बताया होगा, बड़े बड़े कोचों के पास भेजा कहा, लेकिन उन अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनके जैसे नहीं। कहने का मतलब ये है सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं। तो अगर भाई कोचिंग से सब कुछ होता तो ना, जो जितने जितने बड़े प्लेयर हैं न जाने 50 कोचों को लगा देते अपने बच्चे के पीछे, नहीं बन पाएगा वो। भाई खुद के अंदर एनालाइज करना ज़रूरी है, कुछ टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, कुछ पैशन आपके अंदर होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो औरों से हटके है, तभी आप खिलाड़ी बन पाओगे। नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अच्छे क्लब में जाओ, महंगे क्लब में जाओ, इतने इतने 25,000 भी एक मंथ का ऐसे क्लब भी हैं। अब 25,000 यार पूरे सैलरी नहीं है घर की, तो 25,000 वहाँ दे दोगे, कैसे बनोगे? घबराना नहीं है ये कि 25,000 सैलरी वाला बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, प्रैक्टिस का मौका भी मिलना चाहिए, सारा एनालिटिकल खुद कर सकते हैं। भाई बहुत सारे सोर्सेज को मैं बता रहा हूँ ना, आपको खुद एनालाइज करो, लेकिन जो हम बता रहे हैं ना बेसिक चीज़ें, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप खिलाड़ी नहीं बन पाओगे, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। हर कोई छक्के मारने के पीछे पड़ा, उसके पीछे मत भागो। तो खुद के कोच खुद बनो, आप 100% सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी दो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इधर उधर से हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कोच गाइड कर सकता है, सिखा सकता है, आपका हाथ नहीं पकड़ सकता वो। खुद ही करना है आपने। वो बोल सकता है भाई बॉलिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए कम से कम एक दिन में 200 बॉल डाल। अब 200 बॉल आपका हाथ पकड़ के तो नहीं डलाएगा वो, 200 बॉल आपने खुद ही डालने, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। और 200 बॉल कैसे डालना? परफेक्टली डालना, ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए 200 बॉल डाल दिया बस, यार 200 डालना है डाल, पूरी ताकत लगा के 200 बॉल डालने, तब जाके बॉडी में पावर आएगा, हाथ में पेस आएगा। ऐसा नहीं कि खाली 200 बॉल डाल दिया आपने। तो ये समझ लीजिए आपके खुद का कोच आपने खुद बनना पड़ेगा। सबसे बड़े कोच आपका जो मेन कोच है, उसके बाद जो अगर सबसे बड़ा कोच है तो आप खुद हैं। आप खुद को अपना कोच बनाइए, आप 100% सक्सेस होंगे। गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।